आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर की मैथ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, ठीक है। जो आज का यूनिट चलेगा वो आपकी यूनिट चलेगी मैट्रिक्स, ठीक। तो ज़रा गौर से इसको पढ़िएगा। सबसे पहले तो इसके कुछ क्वेश्चन, इसके फार्मूले वगैरह देखते हैं क्या यूज होना है क्या नहीं होना है। इसके बाद हम उसकी कुछ एग्जांपल चलेंगे, इसके बाद उसकी एक्सरसाइज चलेंगे। तो ज़रा गौर से देखिएगा जो बताया जा रहा है, ख़ासकर जो फार्मूले बताए जा रहे हैं, जो फार्मूले बताए जाएंगे जो इसमें यूज होगा वो ख़ासकर आपको ध्यान देना, क्योंकि अगर वो आ गया तो समझो आपको ये आपकी मैट्रिक्स पूरी हल हो गई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं फार्मूले पे। देखिए सबसे पहले दे रखा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैट्रिक्स कितनी टाइप की होती हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहला नंबर दिया है रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम इसके परिभाषा के बारे में ध्यान दें, लेकिन फिर भी ये परिभाषा देख लेते हैं। कही रहा है If a matrix has only one row, ठीक, it is called row matrix। मतलब कि जो हमारे पास ये matrix दी हुई है 3, 2, 7, इसको हम row matrix कहते हैं, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो अगर हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो ये हमारी row matrix हो गई। जैसे ये हमारी दे रखा है, ये हमारी row matrix है, ठीक है। इसका जो आर्डर हो गया वो आर्डर हो गया 1 into 3 का, मतलब कि एक रो है और 3 इसमें एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया आर्डर हो गया और इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा जो दे रहा है, दूसरा कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब कॉलम देख लीजिए, कह रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम देन इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब ये जो दे रहा है ये क्या दे रहा है, ये कॉलम दे रहा है। मतलब कि अगर हम इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बना ले जिसमें अगर हमारे पास एलिमेंट दिए हो 0, 2, 3, 3, 5, 4, 3 और 2, 1, ये हमने अपने पास से बना दे, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम अगर पूछे कि हमारी रो क्या है तो हम लोग रो इसको बताएंगे कि ये हमारी रो है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कॉलम क्या है इसमें तो हमारे कॉलम ये है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा कॉलम होगा, ए भी हमारा कॉलम होगा, ए भी हमारा कॉलम होगा, रो हमारा ए भी हो जाएगी, रो हमारी ए भी हो जाएगी। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी कॉलम होगी। अब जब इसका हम ऑर्डर देखें तो 3 into 1, इसका मतलब 3 इसमें हमारे पास कॉलम है और इसमें 3 एलिमेंट है और 1 कॉलम है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, 3 into 1 का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑर्डर है, मतलब जो एलिमेंट है वो एलिमेंट बराबर हों। अगर यहाँ दो, अगर इसमें हमारा रो जो है, रो अगर हमारे पास दो हैं तो कॉलम भी हमारे पास दो होना चाहिए, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे इसमें देखिए 3 रो दिए हैं 3 कॉलम दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्क्वायर, अगर इसका ऑर्डर देखें ये 2 into 2 का हो जाएगा, ये 3 into 3 का हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला, कह रहा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपकी ये होगी, ए बराबर दिया हो जिसमें आपके पास इसमें है क्या, इसमें आपके पास 3 एलिमेंट हैं और 2 कॉलम है इसमें, ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गया। इसके बाद कह रहा वर्टिकल, वर्टिकल में आपका क्या है, इसमें आपके पास जो दिया है एलिमेंट वो आपके पास कॉलम जो दिए हुए आपके 2 कॉलम और इसमें 6 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई। आगे चलिए देखते हैं, देखिए अगला कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें है क्या, इसमें हमारे सभी एलिमेंट 0 होंगे लेकिन हमारे पास जो रो होगा या हम कॉलम मान लें, अगर हमारा इसमें जो रो मान लें या कॉलम मान लें, कुछ भी मान लें, उसका जो हमारे एलिमेंट्स ये दे रखे हैं, ये हमारे 0 नहीं होंगे, जिसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो 6, 3, 1 के नाम से भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यूनिट मतलब कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट अगर मैट्रिक्स के अंदर दिया है, जैसे एलिमेंट दिया हुआ हमारा, जैसे I1 दिया, I1 के अंदर हमारे पास 1 हुआ तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट 1 हो गए। यूनिट इसके अंदर कितना है हमारे पास, 1 हो गया। अगर अब I2 इसी दे रहा है तो देखिए I2 का हमारा ये दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास इसके I2 के अंदर एलिमेंट होंगे वो हमारे पास 2 होंगे, ठीक है। अब I3 जिसे दे रखा है तो I3 में भी हमारे जो एलिमेंट हमारे पास
जो बन रहे हैं वो हमारे पास ये बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो i3 के एलिमेंट होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे का कह रहा है जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो और नल मतलब जीरो इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स टू बाई टू की हो, या 3 बाई 3 की हो, या 4 बाई 4 की हो, ठीक है, या 4 इंटू 2 की हो। ठीक, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स हमको दिए होंगे वो हमारे सारे जीरो होंगे, तो उसको हम जीरो या नल मैट्रिक्स उसको कहते हैं। जैसे ये हमारे पास दिए हुए सारे इसके मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है वो हमारे 0,0 है। ठीक है, अब देखिए सम मैट्रिक्स, जो सम मैट्रिक्स कह रहा है, तो देखिए इस प्रकार सम रो आर सम कॉलम आर द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, कह सम रो और सम कॉलम, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे इसके एलिमेंट दिया हुआ है 1, 2, 3, 2, 5, 7। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट हमारा दूसरा जो मैट्रिक्स दे रखा है 1, 2, 3, 4, 2, 5, 7, 6। ठीक है, अगर हम इस मैट्रिक्स के इसके एलिमेंट देखना चाहें, देखिए हमारे पास इसमें 1 भी मिल रहा है, 1 है, इसके 2 को हम मैच करें 2 भी मिल रहा है, 3 करें 3 भी हमारा मिल रहा है, 2 करें 2 ये मिल रहा है, या तो एक होता वो भी मिल रहा है, 5 करें तो 5 और 7। अब इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हमें इस मैट्रिक्स में सब एलिमेंट मिल रहे हैं, तो इसको हम सब मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब आते हैं हम इधर सीधे। अब भी अगला जो कह रहा है एडिक्शन मैट्रिक्स, मतलब कि ऐड, हम जैसे हमारे पास दो एलिमेंट दिया है, ए दिया हो और बी दिए हो, इनके दोनों के एलिमेंट दिया हो, कह रहा है ए प्लस बी निकालिए। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हम आपको दर्शाए दे रहे हैं, ये दिए हुए हैं, ए के एलिमेंट्स आपके पास दिए हुए हैं 2, 5, 3, 0, 5, 4, एंड बी के दिए हुए हैं 1, 0, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, -2, -1 दिए हुए हैं। अब ए प्लस बी करना, देखिए अब ए प्लस बी करेंगे तो हमारा ये रो और ये कॉलम, ठीक है, इस प्रकार है। तो अब देखिए जब हम इसको लेके चलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इसका आएगा क्या 2। ठीक है, इसका आ गया हमारे पास 1 प्लस पे, क्योंकि पूछ रहा ए प्लस बी पूछ रहा है, तो 2 प्लस 1 आ गया। ठीक है, फिर हम इसका लेके चलेंगे 3 प्लस 4, मतलब हम रो रो को ही जोड़ रहे हैं। ठीक है, रो रो को जोड़ रहे हैं, जब इसको जोड़ फिर 5, 5 प्लस -2, तो माइनस हो गया, -2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम ये वाली रो चलते हैं, 5 प्लस 0, इसके बाद ये हो गया 0 प्लस 3, ये हो गया -4, -1। ठीक है, इसको हम घटा लेंगे, जो हमारे घटते होंगे उसको घटा लेंगे, जो हमारे जोड़ते होंगे उसको हम आराम से जोड़ लेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है कि ए माइनस बी। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने ए प्लस बी का निकाला था, सेम हम वही ए माइनस बी का निकालेंगे, सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ प्लस लगा था, यहाँ हमारा माइनस लगा है, जहाँ हम प्लस लगा के चले आए थे वहाँ माइनस लगा लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसी को लेके चलते तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो माइनस हो, यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, और ये हमारा माइनस था, ये माइनस, ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब एक और चलते हैं, देखते हैं, देखिए कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब कि कह रहा है अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, ये ए और बी मैट्रिक्स आपके पास दी हुई है, कह रहा है इसका ए इंटू बी निकालना है, गुणा करना है ए इंटू बी। तो अब जैसे हम लोग ए प्लस बी के निकालते आए थे, ए माइनस बी के निकालते हुए आए थे, उसमें रो रो का हम उसमें रो को उसमें जोड़ रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हमको ये नहीं करना है। अब जैसे ये हमारा ये दिया हुआ है, बाई चांस मान लिया हमारे पास ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हमने आपको रो और कॉलम बताए थे, इसलिए यहाँ देखिए दर्शाए हुए हैं आपकी, ये आपका रो है, ये रो है, ये रो है, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। ठीक है, अब देखिए, अब जब ए इंटू बी होता है, सबसे पहली बात तो ए इंटू बी, तो हम इसको ना देख के हम नीचे वाले को देख लेते हैं। ठीक है, ए इंटू बी, अब हम जब इसका गुणा करेंगे तो गौर से सुनिएगा, जब भी हम इसका गुणा करेंगे तो हम अगर इसकी रो ले रहे हैं, ए का रो ले रहे हैं, तो बी का हम कॉलम लेके चलेंगे। ध्यान देना, अगर हम ए का रो लेके चल रहे हैं तो बी का हम कॉलम लेके चलेंगे। ठीक है, बी का कॉलम लेके चलना है।
तो इसी प्रकार देखिए अब इसका हम रो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हम रो लेके चल रहे हैं, ये कालम लेके चल रहा है, इसका हम रो लेके चल रहा है, ठीक है। ये कालम हो गया, ये रो हो गया। देखिए आर वन सी वन, ठीक है, आर वन और सी वन। देखिए आर वन का मान यहाँ कितना है, 11, सी वन का मान B11, ठीक है, ये आ गया। प्लस ये हम उसी के लिए चल रहे हैं क्योंकि अभी हम ये दोनों एक साथ प्लस चलें, क्योंकि दो पॉइंट है ना इसमें भी और इसमें भी, दो पॉइंट है तो दोनों लेके चलेंगे ना। इसके बाद देखिए आर वन A12, इसके बाद क्या लिख गया हमारे पास आर टू, ये आ गया B21 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। रो कॉलम लेके चल रहे थे ना, B21 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आर वन और सी वन सी थ्री, तो आर वन हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब देखिए अब जब हमारे पास कुछ नहीं है, जब यहाँ पे इसके एलिमेंट, अब जब हमारे पास यहाँ पे इसके एलिमेंट नहीं दे रखे, यहाँ देखिए 3 का दे रखा है, यहाँ का 2 का दे रखा है, तो अब जो हम उठा के रखेंगे तो हम यही वाला उठा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैसे, ये देखिए हमारे पास हो गया A11, ठीक है, इसका आ जाएगा A30 प्लस A12 B22, ठीक है। इसी प्रकार इसको देख लिया, जब हम दूसरा करेंगे बताया तो रो और कॉलम लेके चलते हैं, ठीक है। तो R2 ये वाला R2 C1, ठीक है, R2 C2, R3 C3, R2 C3, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे लास्ट वाली, तो R3 C1 R2 C2 R3 C3, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमने इसका निकाला गया है, ठीक। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, इफ ये मैट्रिक्स दी हुई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड, अगली दी हुई है 9 5 7 का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। बहुत ही सरल है, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है, हम परिभाषा लिख लेते हैं। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल, जब ये हमारी दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो हम सीधे सीधे इससे हम लिख सकते हैं, इसलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 समीकरण नंबर 1 मान लें, इससे बन जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर ये 3 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों समीकरणों को हल कर लें, हमको एक्स वाई जेड के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इन तीनों समीकरणों, सबसे पहले हम करें क्या, हम इन इन समीकरणों को घटा लेते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। तो हम इनको घटा लेते हैं, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। अब हम इनको घटा लेते हैं, अब घटाने पे जो भी हमको मिलेगा वो हमारा एक्स वाई के जो भी मान होंगे वो मान हमको आराम से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए हम इनको अब इनको घटा लेते हैं, तो हमारे पास समीकरण आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, दूसरा आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 5, इनको हम घटा लेते हैं, ठीक है। अब इनको हम घटाते हैं, घटाने पर ये माइनस, ठीक है, और ये माइनस, अब हम ये दोनों ये हमारे कट जाएंगे, तो जेड बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है, जेड बराबर हमारे पास क्या आ गया, जेड बराबर हमारे पास 5 4 9 सॉरी 4 आएगा, जेड बराबर हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए जब जेड बराबर हमारे पास 4 आ गया तो हम करें क्या, समीकरण नंबर 3 पे रख दें, इस जेड का मान समीकरण नंबर 3 पे हम रख देते हैं। तो अब चलिए समीकरण नंबर 3 पे जेड का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में जेड बराबर 4 रखने पर,
ठीक है, जब इसमें हम जेड बराबर 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा वाई प्लस 4 बराबर 7, ये आ जाएगा हमारे पास वाई बराबर, ये वाई बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वाई का मान मिल गया, जेड का मान मिल गया। ठीक है, अब करेंगे समीकरण एक पे ये दोनों मान उठा के हम रख दें, फिर चलते हैं आगे। समीकरण एक में जेड कामा वाई के मान रखने पर ठीक है, तो हमारे पास समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ये एक्स प्लस वाई का मान हमारे पास आया है कितना, हमारे पास आया है 3। 3 प्लस जेड का मान आया है हमारे पास 4 बराबर 9। तो x बराबर 4 3 7, मतलब x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2। तो देखिए यही तो हमसे पूछ रहा था आंसर, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x कामा वाई कामा जेड, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा था। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x बराबर हमारे पास आ गया 2 और y बराबर हमारे पास आ गया 3, जेड बराबर हमारे पास आ गया 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बराबर दे रखा है आपके पास 3 2 1 5 0 2 7 -6 3 एंड बी बराबर कह रहा 4 1 6 2 5 3 1 8 -5, देन फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सलूशन है, सबसे पहले हम इसका ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ए है और बी है। ठीक है, हमने क्या बताया था, इसका रो रो का हमारा इसमें चलेगा, रो और रो। ठीक है, अब 3 दिए हैं तो 3 का चलेगा। चलिए हम करते हैं, देखिए ये 3 और प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 प्लस 4। ठीक, इसके बाद 5 प्लस 2 हो जाएगा, 5 प्लस 2 फिर हो जाएगा 7 प्लस 1, 7 प्लस 1। अब हम ये वाली रो चलते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1, फिर इसको लेके चलते हैं 0 प्लस 5। ठीक है, अब हम इसको लेके चलते हैं, ये -6 प्लस 8। अब इसको लेके चलते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 6, ये आ जाएगा 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 3 प्लस और -5। ठीक है, ये हमने ए प्लस उससे निकाला, हमने बताया था इसमें हम रो रो करा लें। ठीक है, रो रो का या कालम कालम का करा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कालम कालम का भी कराएंगे तो सीधे इसे रहेगा। ठीक है, देखिए अगर आपको कालम का करा के हम दिखा दें, अभी तो हमने रो रो कराया, आप कालम कालम को भी करा सकते हैं। जब कालम कर लेंगे, देखिए 3 प्लस 4, ठीक है, इसका चले 2 प्लस 1, इसका चले 1 प्लस 6। ठीक है ना, तो आप चाहे रो करा लें चाहे कालम करा लें, कोई उसमें आंसर में फर्क नहीं आएगा। रो में हमारी रो चलता है, कालम में जलाएंगे तो कालम कालम चलेगा। ठीक है, तो अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो इसी की आगे ए प्लस बी हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए ए प्लस बी अब आगे 4 3 7 हो गया ये, ठीक है, 5 2 7 हो गए, 7 1 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये प्लस का 2 आ गया, -6 है, ये 7 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, ये माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये आपका ए प्लस बी आ गया। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा दूर भटकने का नहीं है, इसमें a माइनस बी भी हम आराम से निकाल सकते हैं, तो a माइनस बी। ठीक है, सिर्फ अब हमको करना क्या है, जहाँ जहाँ प्लस है बस ये ध्यान देना कि जहाँ माइनस होगा वहाँ हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, हम इसी को देख के किए दे रहे, बस हम बताए दे रहे a माइनस बी निकालना है। तो देखिए हमारे पास 3 माइनस 4, ठीक है, 5 माइनस 2, जहाँ जहाँ प्लस है अभी वहाँ वहाँ माइनस कर दो। ठीक है, जहाँ माइनस होगा वहाँ हम लोग प्लस कर सकते हैं। ठीक, अब जब इसका करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, 7 माइनस 1, इसका करेंगे सेम 2 माइनस 1,
इसका करेंगे तो जीरो माइनस फाइव, इसका करेंगे देखिए ये माइनस है, माइनस सिक्स आपको जैसा वैसा, और माइनस एट इसका करें तो वन माइनस सिक्स इसका कर लेंगे तो ये आ जाएगा टू, माइनस थ्री इसका कर लेंगे थ्री माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस फाइव, इसको भी हम निकाल लें, ये हमारी जो आ जाएगी माइनस का वन, ये आ जाएगा अपना वन, ये माइनस का फाइव, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हमारा आ जाएगा थ्री, ये आ जाएगा माइनस का फाइव, ये आ जाएगा माइनस का वन, ठीक। ये आ जाएगा सिक्स, ये आठ छः चौदह, माइनस का चौदह हो जाएगा, ये पाँच तीन आठ, प्लस का आठ, ठीक है। तो ए प्लस बी का आंसर ये है, ए माइनस बी का आंसर ये है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है ए, ए बराबर दे रखा है टू थ्री फोर जीरो फोर सिक्स फाइव एट नाइन, मैट्रिक्स रूम में दे रखा है। बी दे रखा है थ्री फाइव जीरो जीरो थ्री फोर फाइव टू सेवन, देन फाइंड द मैट्रिक्स थ्री ए माइनस टू बी, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा दिक्कत आई, कह रहा थ्री ए माइनस टू बी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ए दिया है, इसको हमको थ्री ए करना है, यहाँ बी दिया है, इसको टू बी करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको थ्री ए कर लेते हैं, तो हल करते हैं कि हमारे पास थ्री ए बराबर, या तो हम ए बराबर कर लें, ए बराबर थ्री ए कह रहा है तो थ्री, हम सबसे पहले थ्री कर देते हैं, ये हो जाएगा टू थ्री फोर जीरो फोर सिक्स फाइव एट नाइन, और कह रहा है टू बी, ठीक है। हम इसको आगे टू बी माइनस कह रहा है तो माइनस करके हम टू बी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री ए माइनस टू बी, ठीक है, थ्री ए माइनस टू बी इसको हम कर लेते हैं। करने के बाद अब देखिए इसको हम करते हैं टू, अब बी के बाद हमारे पास वैल्यू जो रखी है थ्री जीरो फाइव फाइव थ्री टू जीरो फोर सेवन, ये हमारे पास इसके बी के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब देखिए हम करें क्या, हम इस तीन का सारे पदों में गुणा कराते हैं, इस दो का सारे पदों में गुणा करा दें, ठीक है। उससे हमारे पास थ्री ए टू बी बन जाएगा, तो हमारा घटाने में आराम हो जाएगा, क्योंकि थ्री ए टू बी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा घटाने में आराम हो जाएगा, तो हम इसका मल्टीप्लाई अंदर करा दे रहे हैं दोनों पदों में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये आ जाएगा तीन दूना छः, तीन त्रिका नौ और चार तेई बारह, अब इसमें करा दो तो ये हमारे पास जीरो हो जाए, क्योंकि थ्री इंटू जीरो बराबर जीरो, थ्री इंटू फोर बराबर बारह, सिक्स इंटू थ्री बराबर छत्तीस अठारह, फाइव इंटू थ्री पाँच पंद्रह, आठ त्रिका चौबीस, नौ तिया सत्ताईस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये क्या आ रहा है हमारे पास थ्री ए माइनस टू बी, ठीक है। ये हम ले कर चल रहे हैं, ठीक, क्योंकि आगे हम घटा लेंगे थ्री ए टू बी का मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, माइनस अब इसका गुणा अंदर करा लें तो ये हमारे पास आ जाएगा तीन दूनी छः जीरो पाँच दूनी दस, ठीक है, ये हो रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे ये हमारे पास हो जाएगा पाँच दूनी दस और तीन दूना छः दो दूनी चार, ये जीरो हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास चौदह, ठीक है। अब देखिए अब इसको करना क्या है, अब ये हमारे पास आ गया है, अब जैसे हमने ए और प्लस बी को जोड़ा था और ए माइनस बी को हमने घटाया था, सेम अब उसी प्रोसेसिंग से इसको हम घटा लेंगे, ठीक है। रो रो घटा लो चाहे कालम कालम घटा लो, जैसी आपकी इच्छा करे वैसा घटा सकते हो, अब घटा सकते हो, ठीक है। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम रो रो को ही माइनस किए ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रो रो को घटा रहे हैं, तो सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है ना, सिक्स माइनस सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स ये हो गया नाइन माइनस जीरो, ये हो गया ट्वेल्व माइनस टेन, ठीक है। अब चलिए इस वाले में लेके चलते हैं,
ये हो गया 0 माइनस 10, ठीक है, ये हो गया 12 माइनस 6, ये हो गया 18 माइनस 4, ये हो गया 15 माइनस 0, ये हो गया 24 माइनस 8, ये हो गया 27 माइनस 14, ठीक है। अब इनको हम घटा लेते हैं तो इससे हमारा जो मान आएगा ये हमारा 3a माइनस 2b का मान चला आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको घटा लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है, ये 0 आ गया। अब ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये हमारे पास आ जाएगा 2, इसको घटाएंगे ये माइनस का हमारे पास 10 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये हमारे पास आ जाएगा 14, इसको ये हमारे पास आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 16, 16 आ गया, ये आ गया 4 3 7 13 13, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स हमारी बनी, ये हमारा किसका मान है, ये हमारा मान है 3a माइनस 2b का मान है, और यही हमारा आंसर है। ये 3 1 4 4 3 5 5 6 2 कह रहा, देन प्रूव दैट a इंटू i3 बराबर a, मतलब कि अगर ए आई का हम गुणा करा दें तो i3 हमारा जो आए वो a के बराबर आए, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। देखिए a तो हमारे पास दिया हुआ है, तो a को हम फिर से लिख लेते हैं, तो a बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3 4 5 1 3 6 4 5 2, ये a बराबर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और i, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि i1 i2 i3 का मान क्या होता है, ठीक है, जिसने देखा है उसको पता है, जिसने नहीं देखा है वो यहाँ देख लो। ये होता क्या है, i3 का मान क्या होता है, i3 का मान आपका निकलेगा वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके i3 का मान होता है, ठीक है। अब कह रहा है a इंटू i3 बराबर i3 के, और a बराबर a, मतलब इसका गुणा करा दिया जाए तो ये हमारे a के बराबर निकले। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये a इंटू i3 बराबर, ठीक है, एक बार फिर से इसको उतार लेते हैं, ये हो जाएगा 3 1 4 4 3 5 5 6 2, ठीक है, इंटू i3 का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। देखिए ये तो हम लोगों ने उतार लिया है, अब इसका गुणा करा दिया जाए। हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था, जब भी हम मैट्रिक्स का गुणा कराते हैं तो किसी का रो लेते हैं, किसी का कालम लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो इच्छा हो, जो रो लेके चलना हो रो लेके चलिए, जो कालम लेके चलना हो तो कालम लेके चलिए, ठीक है। हम एक रो और एक कालम लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मतलब कैसे चला जाए, हम इसका ये रो, इसका हम ये कालम लिए ले रहे हैं, इसका रो लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे इसको हल कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका गुणा जब इसमें होगा तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा जब इस पे होगा ये हो जाएगा 0, इसका गुणा जब इसमें होगा ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम इस वाले को लेके चलते हैं, इस पे फिर से हम कराते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसका कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है, इसी लेके चल रहे इस पे वाले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक, जब इसका होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 4, इसके बाद प्लस 0, ठीक है। अब देखिए आगे वाले में लेके हम चलते हैं, इस वाले में लेके चलते हैं और फिर हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 0
प्लस जीरो प्लस फाइव, ठीक है। इसी प्रकार हम सबका करा लेते हैं। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब हम इस वाले पद का, हम इस वाले पद में हम फिर से करा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कालम हो गया, तो हम इसका इन तीनों पद में करा लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये जब इसका हम कराएंगे, इसका इस वाले पद में, ये हमारे पास पहले हम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन, क्योंकि वन इंटू वन प्लस थ्री इंटू जीरो जीरो, सिक्स इंटू जीरो तो जीरो हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, अब हम इसी का हम इस वाले में करा लेते हैं, ठीक है। इस वाले में करा लेते हैं, इसका हम इस वाले में गुणा करा लेते हैं। तो देखिए वन इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू वन, थ्री इंटू वन प्लस थ्री, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचा सिक्स, सिक्स इंटू जीरो तो बराबर जीरो, ठीक है। अब देखिए इसी का हम इस वाले पद में करा लेते हैं, ठीक है, इसका इस वाले पद में पूरे में, देखो क्या आ जाएगा, जब एक का हम जीरो में कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो, ठीक है। इसके बाद जब हम इसका थ्री कराएंगे, जब इसका थ्री का हम कराएंगे जीरो में, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो, और सिक्स का जब हम वन पे कराएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का सिक्स, ठीक है। हमारा ए भी रो कम्प्लीट। अब बचा हमारे पास ये वाला, तो इस वाले हम रो को इस वाले कारम, तीनों कारम पे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। देखिए जब इसका हम पहले हम कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर, क्योंकि वन इंटू फोर फोर, फिर इसके बाद फाइव इंटू जीरो, तो इसका मतलब क्या है, पहला तो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें हम इसमें करा रहे हैं, ये जीरो और ये जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई कराया जाता है तो वो जीरो ही आता है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा इसमें, जब इसका हम जीरो में कराएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो, ठीक है। जब पाँच का हम एक पे कराएंगे तो प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो आया, जब दो का इसमें कराएंगे तो प्लस जीरो आया, ठीक है। अब यही रो ये कालम पे करा लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या आएगा, जब जीरो कराएंगे, ये दो दो जीरो हैं, ये हमारे दोनों जीरो हो जाएंगे, जीरो प्लस जीरो, जब दो का एक में कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। अब इनको लिख लेते हैं सब कुछ, इनको जोड़ के, ये हमारे पास थ्री आ जाएगा, ये हमारे पास फोर आ जाएगा, ये हमारे पास फाइव आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, ये हमारे पास वन आ जाएगा, ये हमारे पास थ्री है, ये हमारे पास सिक्स है, ठीक है, ये हमारे पास फोर है, ये हमारे पास फाइव है, और ये हमारे पास टू है। तो एक बार हम ये मिला के देख लें क्या ये हमारा ए आई के बराबर है कि नहीं है। देखिए ये दिया हुआ है और आप इसको मिला के देख सकते हैं, ये देखिए आपके पास ए और ए आई, हमारे पास क्या आ गया है, ए इंटू आई थ्री बराबर, देखिए ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान हमारे पास थ्री है, वन है, फोर है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि ए आई बराबर, इसका मतलब ये है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट वी कैन प्रूव दैट आई थ्री इंटू ए बराबर ए, ठीक है। इसका मतलब कि ए आई थ्री जब बराबर है तो आई बर थ्री बराबर और ए बराबर ए होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाता है, प्रूफ, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कि प्रोडक्ट दिया हुआ, मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ए बराबर दिया हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, बी बराबर आपका दिया हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है कि ए इंटू बी इंटू सी, ये तीनों प्रोडक्ट जो दिए इनके मान क्या होंगे, ठीक है। तो अब एक साथ तो हम लोग तीनों का मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ना ही एक साथ हम लोग तीनों का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं क्या है, हम ए और बी का निकाल लेते हैं। जब ए और बी का मान हमको प्राप्त हो जाएगा तो ए बी के मान पे हम सी के मान का
मान रख देंगे तो हम a इंटू बी इंटू सी का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सल्यूशन करते हैं। सल्यूशन तो सबसे पहले हम चलते क्या है सल्यूशन पे, a क्रॉस b का मान हम लोग निकाल लेते हैं, a क्रॉस b का मान। ठीक है, तो हमारे पास दोनों सारणी रखी हुई हैं, एक ये रखा हुआ है सारणी a रखी हुई है, a रहा है 1 2 3 2 0 4 3 5 1, ये हमारा a का मान है। क्रॉस b का मान हम रख लेते हैं यहीं पे, b का मान ये रखा है 2 4 6 5 3 2 1 6 4। ठीक है, अभी पिछला सवाल हम लोग सेम ऐसे लगा के लाए हैं जिसमें हम लोगों ने गुणा करा के लाए थे। ठीक है, तो अब इसमें भी हम लोगों को वही करना है। तो हमने पहले बताया था रो और कॉलम के बारे में, ठीक है, तो रो और कॉलम, तो अब एक बार हम फिर बता दें, इसको हम रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये जो चलेगा इस तरह से, ये हमको रो होता है। ठीक है, और जो ये चलता है ये हमारे पास कॉलम होता है। ठीक है, तो हम इसका रो लेते हैं, इसके कॉलम लेते हैं। ठीक है, इसका रो इसका कॉलम लेके इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, तो पेज पलटा लिया जाए। तो ये हमारे पास एक क्रॉस बी है। ठीक है, तो हम इसका हम रो और कॉलम लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया था, ये देखिए ये रो होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, तो रो और कॉलम लेके हम इसका चला जा रहा है। ठीक है, देखिए इसका हम रो ले रहे हैं, इसके सारे कॉलम ले रहे हैं। तो चलिए ए और क्रॉस बी हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए हल करते हैं, इसका हम रो ले रहे हैं, ये पूरे कॉलम ले रहे हैं, तो 1 × 2 इसका गुणा इस पे होगा। ठीक है, ये हम रो ले चल रहे हैं, ये कॉलम लेके चल रहे हैं। ठीक है, 1 × 2 ये आ गया 2 प्लस रो और कॉलम 2 × 5 2 × 5, तो लिख लेते 2 × 5 प्लस 3 × 1 3 × 1। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम ख़त्म। अब आते हैं हम इस वाले कॉलम पे। ठीक है, इस वाले कॉलम को हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 × 4। ठीक है, देखिए ये आएगा 1 × 4 1 × 4। ठीक है, अब चलते हैं इसको लेके चलते हैं और इसको लेके चलते हैं, ये 2 × 3 प्लस का आएगा 2 × 3। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, अब इस पे लेके चलते हैं इस पे, तो 6 × 3 प्लस में 6 × 3। ठीक है, अब देखिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 6 प्लस 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 इसके बाद प्लस 4 × 3 या 3 × 4। ठीक है, तो ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते इस वाली रो से इस वाले कॉलम पे। ठीक है, देखिए इस वाले रो से इस वाले कॉलम पे पहले सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए तो ये आ जाएगा, पहले तो मैट्रिक्स बना लें, ये हमारे पास जब इस पे चलेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 प्लस का चिन्ह आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम इसका गुणा इस पे लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 × 5। ठीक, 0 × 5 हो जाएगा ये हमारे पास। इसके बाद अब हम इसका गुणा इस पे कराएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4 × 1। ठीक, अब हम इस वाले कॉलम पे चलते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 4। इस वाले में चल रहे 2 × 4 हो गया प्लस 0 × 3। ठीक है, प्लस 4 × 6 पे आ गया। अब हम आते हैं इस वाले कॉलम, ये रो वही चलेगी, कॉलम हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस पे आ जाते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 6 2 × 6 0 × + 0 × 2। ठीक है, फिर इस पे आ जाइए प्लस 4 × 4। ठीक है, अब देखिए आप हमारे पास
अगली ये वाला कॉलम बचा, ये वाला रो बचा है, और इन सारी कॉलमों में इसका गुणा करा दी जाए तो हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2, 3 × 2, ठीक है, 5 × 5 प्लस 5 × 5, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 × 1 हो जाएगा प्लस 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते आगे इस वाले कॉलम पे, ये हो जाएगा 3 × 4 प्लस 5 × 3, ठीक है, 5 × 3 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा प्लस 1 × 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यही वाली रो इस वाले कॉलम पे लिए हम चलते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 6 प्लस 5 × 2 प्लस 1 × 4, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब इन्हीं सब का हम लोग गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराने में क्या आता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इनका गुणा करा के जोड़ जाड़ के लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये 5 × 2 = 10, ठीक है, 10 × 2 = 12 और 3 = 15, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 × 4 = 36 18 18 × 4 = 22 22 × 6 = 28, ये हमारे पास आ गया 28। इस पे देखिए 4 × 3 = 12 12 और 4 = 16 16 × 6 = 22, ये हमारे पास आ गया 22, ठीक है। इस पे आते हैं, ये हमारा पद 0 हो गया, ये 2 × 2 = 4 और 4 = 8 हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया। अब इस पे देखिए ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, ये 4 × 6 = 24 और 4 × 2 = 8 24 8 32 हो गया, 32 हो गया, ठीक है। ये हमारा 0, 4 × 16 और 6 × 2 = 12, 16 और 12 कितने हो गए 28, ये 28 हो गया। ये 5 × 25 और 3 × 6 = 25 25 और 6 = 31 और 1 = 32, ये हमारे पास 32 हो गए। अब देखिए इसका कर लें, इस वाले का 5 × 3 = 15 15 × 6 = 21 21 × 4 = 12 21 और 32 = 33 हो गया, ये 33 आ गया। इसका देख लीजिए 5 × 2 = 10 हो गया, 36 = 18 हो गया, तो 28 हो गया, 28 × 4 = 32 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है A क्रॉस B आया है, ठीक है। तो A क्रॉस B का मान हमको ये प्राप्त हुआ है। अब कह क्या रहा है कि वो कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स दी हुई है ए बी सी दी हुई है। अब हमको ए क्रॉस बी का मान प्राप्त हो गया, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम करें क्या, ये मान तो आ ही गया, इस पे क्रॉस सी कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग अलग लाइन पे कर लीजिएगा, आप ए ए प्लस बी का मान दिखा दीजिएगा और अलग से इसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान अलग से दिखा दीजिएगा, हम इसी में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए A क्रॉस B का मान हमारे पास ये, क्रॉस C का मान हमको लेके चलना है। तो क्रॉस C का मान हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं क्रॉस C का मान। देखिए क्रॉस C का मान हमारे पास ये रखा है 2 × 3 = 5, ये है 2 × 3 = 5। इसके बाद है 1 × 4, इसके बाद क्या मान है 1 × 4 1 × 4, ठीक है। अब इसका हम लोग करा लेते हैं, देखिए इसका भी कराया जाए, अब देखिए इसका भी करा लिया जाए, जैसे हम लोग अभी ऊपर करके आए सेम उसी प्रकार करते हुए चले आए। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ये 3 × 3 का है, ये 2 × 3 का दिया हुआ है, उससे कोई परेशानी नहीं हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे होता है, ये देखिएगा, ठीक है। तो हमने बताया इसका रो लेके चल रहा है, इसका हम कॉलम लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा हम इसका रो लेके चलेंगे, इसका कॉलम, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसका इसका कॉलम लेके चल सकते हैं, इसका रो लेके चल सकते हैं, ठीक है। हम इसका इसकी हम रो लेके चल रहे हैं, इसका हम कॉलम लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व होता है, तो चलिए देखिए अब रो 15 × 2, ये हमारे पास सबसे पहले क्या आया 15 × 2, ठीक है, इसका हो गया। इसका लेके चलते हैं इस पर, प्लस 28
इंटू थ्री, ठीक है, प्लस 22 इंटू फाइव, ठीक है। अब चलते हैं इसी का हम इस वाले में लेके चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 15 इंटू वन, ठीक, प्लस 28 इंटू जीरो, जीरो है 28 इंटू जीरो, फिर ये हो गया प्लस 22 इंटू फोर, ठीक है। अब हम करते क्या है, इस रो का इस कॉलम में हम करा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस रो का इस कॉलम में, चलिए देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू टू, ये हो जाएगा प्लस 32 इंटू थ्री, ये हो जाएगा प्लस 28 इंटू फाइव, ठीक है। अब इसी का इस वाले कॉलम पे करा लेते हैं, चलिए ये क्या हो जाएगा 8 इंटू वन प्लस 32 इंटू जीरो प्लस 28 इंटू फोर, ठीक है। अब देखिए अब बचा हमारा लास्ट वाला, तो लास्ट वाले में फिर हम करा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, रो ऑफ कॉलम कराना है हमको, 32 इंटू टू हो जाएगा प्लस 33 इंटू थ्री प्लस 32 इंटू फाइव, ठीक है। अब इसी का इसमें करा लिया जाए, ये हो जाएगा हमारे पास 32 इंटू टू प्लस, सॉरी 32 इंटू वन होगा क्योंकि हम इस पे करा रहे हैं ना, 32 इंटू वन 33 इंटू जीरो प्लस 32 इंटू फोर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गया, ये काय का मान है, ये हमारे पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। अब देखिए अब इनका गुणा करा लो और इनको जोड़ लो, ठीक है। अब देखिए हम आपको ये भी करके दिखाई दे रहे, गुणा जोड़ घटाना करके दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों बगल में कैलकुलेटर हमारे पास रखा है, हम गुणा जोड़ घटाना सब एक साथ करके आपको हम दिखाई दे, पहले कि आप 15 गुणते दो है तो 15 इंटू टू प्लस, इसके बाद कह रहा 28 गुणते थ्री, देखते जाइए 28 इंटू थ्री, फिर क्या कह रहा है प्लस 22 गुणते पाँच, 22 इंटू पाँच, तो ये हमारे पास क्या आ गया 224, इसका मान हमारे पास आ गया 224 आ गया, ठीक है, हमने लिख दिया। इसके बाद आगे चलते इसका कर लेते हैं, तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस ये है 32 इंटू थ्री, ठीक है, प्लस 28 इंटू फाइव, तो कितना आ गया 252 आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दिया जाए, 252 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास ये दिया है 32 इंटू टू, ठीक है, प्लस 33 गुणते थ्री, 33 इंटू थ्री प्लस 32 इंटू फाइव, कितना आ गया 323 आ गया, ये हमारे पास 323 हो गया, ठीक है। तो ये एक तरफ का ये कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं दूसरे तरफ का, ठीक है, दूसरे तरफ का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग करके देख लेते हैं, ये 15 हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, ये ये हो गया 15 प्लस 22 इंटू चार, ये आ गया 103, इधर का आ गया 103, ठीक है। ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 8 प्लस 28 इंटू चार, 120 आ गया, ये हमारे पास आ गया 120, ठीक है। ये हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो का है। अगला देखते हैं, ये आ जाएगा 32 प्लस ये आ गया 32 इंटू चार, ये आ गया 160, ठीक है, ये आ गया 160। अब देखिए जो हमसे मान पूछ रहा था वो हमारे मान ये रखे हैं सामने, ठीक है, ये हमारा मान रखा, ये मान काहे का है हमारे पास, ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा इफ
ए बराबर कह रहा है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 एंड आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 देन प्रूव डैट ए स्क्वायर माइनस 4a - 5i वेयर ओ इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर पहले वाले में ये बताया था कि जो i1 या i2 i3 होता है इसलिए i1 मान के उसमें 1 3 क्यों दिए, क्योंकि बेटा वो i1 का मान था जो हमने बताया था, i2 का मान था, i3 का मान था। ठीक है, ये हमारा i दे रखा है और किताब में जब i दे रखा है तो हम वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब प्रूव क्या करा रहा, सबसे बड़ी बात ये कह रहा ए स्क्वायर माइनस 4a - 5i बराबर 0, ये प्रूव करा रहा है भाई। अब ए स्क्वायर का मान हम कहाँ से निकालें, माइनस 4a और माइनस 5i ये कैसे हम निकालें, सब निकलेगा देखते हैं। चलिए अच्छा एक चीज़, ये सोल्यूशन हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमको ए स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम ए स्क्वायर का मान निकालना है सबसे पहले, तो हमें ये पता है ए स्क्वायर कब बनता है। एक अगर हम इधर देख लेते थोड़ा, अगर एक्स स्क्वायर है तो हमको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक्स इंटू एक्स लिखेंगे तो क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती है तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाता है, हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम ए को ए क्रॉस ए लिख लें तो ये हमारा ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये हमारा ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसी बेस से हम ए इंटू ए को करके हम लिख लेते हैं, तो अब हमारे पास ए इंटू ए मतलब कि जो ए का मैट्रिक्स दिया उसको हम दो बार लिख के उसका गुणा करा लेते हैं। तो चलिए 1 2 2 हो गया, 2 1 2 2 2 1। ठीक है, इसी का एक बार और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, देखिए ये मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट। अब हम इसका गुणा करा लें, अभी तक हमने बताया था कि इसका हम रो लेके चलेंगे, इसका कॉलम लेके चलेंगे। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, ये रो इसका रो ले लेना, इसके सारे कॉलम ले लेना। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, हम ही ये दे रहे हैं, देखिए हम इसका रो इसका कॉलम लेके चल रहे हैं, 1 × 1 तो इसका मतलब 1 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1, इसके बाद 2 × 2 इसका मतलब आ गया 4। ठीक है, इसके बाद 2 × 2 इसका मतलब 4। ठीक, अब इसी चीज़ को हम इस पे लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 × ये आ गया 2 + 2 + 4। ठीक है, इसी का हम इस पे लेके चल रहे हैं, हम जल्दी चल रहे हैं, अपना देखते जाइएगा। ठीक, 1 + 2 + 4 ये हो जाएगा, इस पे लेके चल रहा है तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, सबसे पहले 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका ये 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब इस वाले का इस साले रो में कराया दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 + 4। ठीक है, अब इसी का हम इस पे कराया दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 + 1 + 4। ठीक है, अब इसी का आगे वाले में तो 4 + 2 + 2। ठीक है, अब इसका हम इस तीनों रो में कराया दे रहे हैं, इसका इन तीनों रो में। ठीक है, देखिए क्या आएगा, 2 + 4 + 2 इसमें क्या होगा, ये आ जाएगा 4 + 2 + 2। ठीक है, इसका देख लीजिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 4 आएगा, 4 + 4 + 1। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ के लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 4 8 9 आ जाएगा, ये 4 4 8 आ जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे 4 4 8 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 4 4 8 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 1
9 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान आ गया। देखिए ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब वो मतलब कह क्या रहा है, ये देखिए वो कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई। तो चलिए अब हम इसका मान निकालते हैं, काहे का मान निकालते हैं, तो प्रूव दिस। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर का मान हमारे पास ये आया है, ये आ गया 9 8 8 9 8 8 8 9 8 हो गया, 8 8 9 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान आ गया। कह रहा माइनस फोर ए, तो माइनस फोर का गुणा करा दें, और ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान हमारे पास है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, कह रहा माइनस फाइव आई, तो माइनस का 5 से गुणा करा देंगे आई वाले पद में, तो ये हमारे पास ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब देखिए सबसे पहले हम इसका अंदर गुणा करा दें। ठीक है, इसका अंदर हम गुणा करा देते हैं, तो चलिए ये जैसी थी वैसी हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 9 8 8 8 9 8 8 9। ठीक है, ये जैसी थी हमारी वैसी उतर गई, माइनस इसका अंदर गुणा करा दे 4 का, ये हो जाएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। 5 का अंदर गुणा करा दे, माइनस ये 5 हो जाएगा 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा कंप्लीट, इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इनको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब घटाना ही है, कोई बड़ी बात तो नहीं, घटाने में ये सारे पद हम रख के घटा सकते हैं, तो देखिए कैसे घटेगा। ठीक है, 9 - 4 - 5। ठीक है, देखिए ये आ गया 9 - 4 - 5। ठीक है, अगले रो में क्या है, अगला देख लीजिए, ये है 8 - 8 और 0। ठीक है, ये आ गया 8 - 8 - 0। अगला देख लीजिए, अगला भी 8 - 8 और 0। ये हमारे पास क्या आ गया, 8 - 8 - 0। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है हमारे पास, 8 - 8 और 0। 8 - 8 - 0। ठीक है, अगला देखिए 9 - 4 - 5। ये हो गया 9 - 4 - 5। ठीक है, इसके बाद अगला देख लीजिए 8 - 8 - 0। 8 - 8 - 0। ठीक है, अगला देख लीजिए, कह रहा 8 - 8 - 0। ये हो गया 8 - 8 - 0 हो गया। इसका देखिए अगला, देखिए अगला है 8 - 8 - 0 8 - 8 - 0 8 - 8 - 0। और लास्ट वाला बचता है अपने पास 9 - 4 - 5 9 - 4 - 5। अब इनको हम देख लेते हैं, ये देखो माइनस का 5 है, माइनस 4 है, ये हो जाए माइनस का 9 और ये 9, ये हमारे सारे कट रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनती है, 0 0 0 0 0 0 0 0।
देखिए ये सारे कट जाएंगे, माइनस प्लस का ये कट जाएगा, ये मिलके ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएंगे, आपके सारे पद कट रहे हैं, ठीक है। और यही प्रूव करा रहा है, वो क्वेश्चन भी यही प्रूव करा रहा है, ठीक है। बराबर जीरो, देखिए क्वेश्चन प्रूव करा रहा है ना, कह रहा वेयर देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव ए बराबर जीरो के, बराबर जीरो प्रूव करा रहा है ना, वेयर जीरो इज नल मैट्रिक्स। हमने बताया था नल मैट्रिक्स के बारे में, जहाँ नल मैट्रिक्स होती है वो उसके जो कॉलम रो होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। देन प्रूव्ड इट, प्रूव्ड इट,